इस कार्यक्रम के प्रायोजक है जागृति धाम गोल्ड एज होम, अनंत फुटप्रिंट्स ऑफ नॉलेज, CSR इनिशिएटिव बाय इन्फिनिटी, आक्षी नारी को संपूर्ण बनाए, TT लिमिटेड जिंदगी इज गुड, एड लाइफ केयरिंग माइंड साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव वेलनेस सेंटर मेक्स यू फिट इन फैब एंड महल लैम शेड्स एट स्पार्क टू योर लाइफ। बाजियों को रोक दो, पहले मुझे बताने तो दो अपने दर्शकों को कि आखिर हम ये खुशियां क्यों मना रहे हैं। 100 डायमंड एनिवर्सरी, वाह जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वाह जिंदगी के इस महा एपिसोड में स्वागत करती हूँ। 28 अगस्त 2011 पर हम लेकर आए थे आप सभी के सामने वह जिंदगी का पहला एपिसोड। नमस्ते दोस्तों, मैं चांदनी सरावगी क्रिएशन वह जिंदगी के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। और उसी एक पहले कदम को बढ़ाते बढ़ाते आज हम चल पहुंचे हैं, आज हम पहुंच चुके हैं हमारे 100वें एपिसोड की ओर, और इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। कभी भी धूप जिंदगी, कभी है जीते जिंदगी के हर एक दांव, जाने जमाना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। दोस्तों वह जिंदगी का आज का ये एपिसोड कई मायनों में खास है। आज हम ना सिर्फ मना रहे हैं अपना 100वां एपिसोड, पर उसके साथ ही साथ हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की आत्मकथा जिन्होंने अपने मेहनत के बलबूते पर श्रेय को बना दिया नंबर वन कंपनी। तो चलिए करते हैं खास मुलाकात श्रेय के चेयरमैन हेमंत कनोडिया से, और साथ ही साथ हम मिलते हैं हरि प्रसाद कनोडिया से, श्रेय के फाउंडर, और सुनील कनोडिया श्रेय के वाइस चेयरमैन। जैसे जैसे सूर्य को मिलता है आकाश, जैसे जैसे फैलता भू पर दिव्य प्रकाश, वैसे वैसे लोक में व्यापक होता श्रेय, बढ़ती है तेजस्विता बनता है आदि। वह जिंदगी का 100वां एपिसोड ये एक मंजिल नहीं, पड़ाव है। आज का एपिसोड दो मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, आपके अपने वह जिंदगी ने पूरे कर लिए हैं अपने 100 एपिसोड, और आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं भारत की सुप्रसिद्ध कंपनियों में से एक श्रेय के चेयरमैन हेमंत कनोडिया जी से, जिनका साथ देंगे कंपनी के फाउंडर हरि प्रसाद कनोडिया और वाइस चेयरमैन सुनील कनोडिया जी। आइए करते हैं इनसे खास मुलाकात वह जिंदगी के इस 100वें एपिसोड में। वाह जिंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी वेलकम टू श्रेय।
हेमंत कनोरिया, एक बहुत बड़ी हस्ती हैं आप, कैसा लगता है आपको? देखिए, हम तो नहीं सोचते हैं कि हम कोई हस्ती हैं, बहुत ही साधारण मनुष्य हैं और उसी तरह से एक ज़िंदगी जीते हैं, साधारण मनुष्य जैसा ही। तो कहीं पर भी कोई ये थॉट भी नहीं आता है, विचार भी नहीं है कि हम कोई हस्ती हैं। हेमंत के नेतृत्व में श्रेय आज भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुका है। श्रेय अपनी स्थापना की रजत जयंती 2014 में मनाने जा रही है, लेकिन 24 वर्षों की अल्प अवधि में कंपनी ने कई मील के पत्थर स्थापित किए। आपकी कंपनी का नाम श्रेय है, जो आज बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, इसका अर्थ क्या है? देखिए, श्रेय का दो तीन अर्थ हैं। एक तो श्रेय विष्णु भगवान का एक और नाम है। श्रेय का दूसरा मतलब है कि यदि कोई बहुत ही अच्छा किया तो उसे उसका क्रेडिट दिया जाए। दूसरा श्रेय क्रेडिट है, तो जो भी क्लाइंट्स को हम लोग क्रेडिट दे रहे हैं, क्योंकि फाइनेंसिंग बिजनेस हमारी है, तो उसके कारण से श्रेय। और श्रेय यहाँ पर का मतलब श्रेष्ठ भी होता है, तो इसी के कारण से कंपनी का नाम श्रेय रखा हुआ है। भारत सरकार के ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत ग्रामीण आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में श्रेय का महत्वपूर्ण योगदान है। कनोडिया जी, आपकी कंपनी श्रेय कई सारे व्यवसाय से जुड़ी हुई है, पर ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें आपकी विशेष रुचि है? रूरल एरियाज में एक सहज बोलकर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किए हैं, जहाँ पर 28,000 विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स वो बिजनेस रन करते हैं और 28 करोड़ लोग को जो गांव में हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट एक तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर ई गवर्नेंस का ये मॉडल स्टैब्लिश करने की चेष्टा कर रहे थे और इस तरह का कोई मॉडल कहीं पर भी वर्ल्ड में, विश्व में नहीं है। हेमंत एम सुनील कनोडिया बंधुओं ने श्रेय को अपनी मेहनत एवं परिश्रम से प्रथम श्रेणी में पहुंचाया है। इसका सबसे बड़ा श्रेय उन संस्कारों और मूल्यों को है जो उनके पिता श्री हरि प्रसाद जी कनोडिया ने अपने पुत्रों को दिए हैं। हरि प्रसाद जी ने अनेक विषयों पर पुस्तकें लिखकर अपने ज्ञान और अनुभव को लोगों में बांटा है और इसका लाभ हर उम्र के लोग उठा रहे हैं। हरि प्रसाद जी, आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा है, आप इतने बड़े उद्योगपति हैं, पर आज आपको हेमंत कनोडिया जी के पिता के नाम से जाना जाता है, कैसा महसूस करते हैं आप? ये सबसे आनंद की बात कोई भी पिता के लिए होती है, जब उसका बालक, उसका बेटा और भी ऊंचा मंजिल पर आता है, तो कि बचपन में जो मैंने उसे सिखाया और जो ईश्वर से प्रार्थना की है कि कस्तूरी की तरह उसकी प्रसिद्धि हो। हेमंत कनोडिया जी आज इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं, पर पिता के रूप में आप उनमें कौन सी खास बातें देखते हैं? पिता तो हमेशा बालक को बालक ही समझे। खासकर आनंद आता है जब बालक पिता का आज्ञाकारी हो, पिता की भावनाओं का कदर करता हो, पिता की इच्छाओं को अनुभूति कर सके। श्रेय ग्रुप का संचालन करने में हेमंत कनोडिया के अनन्य सहयोगी हैं उनके छोटे भाई सुनील कनोडिया। चिंतन, निर्णय और तुरंत क्रियान्वयन कनोडिया बंधुओं की सफलता का राज है। श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के वाइस चेयरमैन सुनील समूह के अन्य उपक्रमों यथा श्रेय बीएनपी परिवास के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर,
टाटा समूह के साथ वियोम नेटवर्क्स में जॉइंट वाइस चेयरमैन और MD भी हैं। श्रेय ग्रुप के एंटरप्राइज क्विपो की अवधारणा भी सुनील की है। देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट रेंटल कंपनी हो या कंस्ट्रक्शन ऑयल या गैस का क्षेत्र हो, टेलीकॉम एंड एनर्जी हो, ब्रांड क्विपो देश के औद्योगिक क्षितिज पर एक अग्रणी नाम आज बन गया है। 25 साल किसी भी कंपनी के लिए मामूली बात नहीं है, और आज श्रेय एक बहुत बड़े विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। इसका कारण क्या है? ये जहाँ से शुरुआत हुई थी, बहुत छोटे रूप से शुरुआत हुई थी, हमारी एक टीचर थी CA में, विनोद कोठारी जी, वो हमें पढ़ाते थे और वो लीजिंग हायर परचेज में किताब भी लिखे हुए हैं, तो हमने उनकी सहायता ले करके श्रेय को शुरुआत किया 89 में। मेन चीज़ जो हमारे इस 25 साल में जो देखे हैं हम और जो हुई है कि एक है इनोवेशन, कि जो भी हमने किया है नई तरीके से किया, नई चीज की है। सुनील विभिन्न ट्रेड और इंडस्ट्री सेवाओं से भी जुड़े हैं। SOCM के उपाध्यक्ष, मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष एवं भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना में वर्किंग ग्रुप ऑन कंस्ट्रक्शन के सदस्य के रूप में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी। सुनील जी, श्रेय आज बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है, इसकी काफी सारी शाखाएं फैल चुकी हैं। कुछ खास शाखाओं के बारे में हमें बताइए। एक हम जो ग्रो कर रहे थे 1999-2000 में, हमने एक बिजनेस चालू किए श्रेय से ऑफशूट, जो हम इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट को भाड़ा में देने का, इंडिया में वैसे ही वो बिजनेस ही नहीं थी, और उसका हमने ब्रांडिंग नाम किया क्यूपो। हमने देखा कि अमेरिका में, यूरोप में सेम टावर शेयर हो जाती है दूसरे लोगों से, दूसरे ऑपरेटर से, इंडिया में वो नहीं हो रही थी, तो हमने देखा कि अगर हम टावर लगा करके टावर को भाड़ा में दें हर ऑपरेटर को, उसमें भारत की काफ़ी सेविंग्स हो जाएगी। हेमंत कनोडिया की आत्मकथा का सिलसिला जारी रहेगा, पर वक्त हो गया है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि चांदनी आखिर इस महा एपिसोड में क्यों बार बार ब्रेक ले रही है, पर मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। इसलिए मैं आपसे वादा करती हूं हमेशा की तरह यह ब्रेक काफी छोटा होगा और मैं जल्द ही वापस आऊंगी। ब्रेक के बाद वहा जिंदगी के इस महा एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम चल पड़ते हैं अपनी उसी मंजिल की ओर और देखते हैं क्या रखा है हेमंत कनोडिया की आत्मकथा में आगे। सुनील कनोडिया की धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता कनोडिया भी सामाजिक सरोकारों से जुड़ी है। समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए मूल्य परक शिक्षा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए उन्होंने सूर्योदय स्कूल्स प्रारंभ किए हैं। सुनीता जी, आप काफी सारे सामाजिक काम में एक्टिव रहती हैं, आप कई सारे स्कूल्स भी चलाती हैं। हेमंत जी से आपको अपने जीवन में कितना प्रोत्साहन मिला? शादी के एक साल बाद मॉन्टेसरी कोर्स किया, फिर मैंने उस मॉन्टेसरी स्कूल में काम किया, फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ अपना करना है, तब मैंने ये विचार उन लोग के सामने रखा और उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया हर तरफ से, और उसके लिए मुझे पूरा फ्रीडम भी दिया, कोई मुझे कहीं से भी बाधा नहीं आई। सो आज जो भी मैं हूँ उनके लिए, जैसे कि राम हर चीज़ में जीवन में मर्यादा को करते हैं, पालन किया, वैसे ही हेमंत जी भी पूरे परिवार को चलाने में वैसे ही पालन करते हैं। आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए ढांचागत पूंजी नियोजन में कंपनी एक पथ दर्शक की भूमिका निभाती आ रही है। अपने ग्राहकों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सेवाएं और समाधान, पूंजी निवेश और वितरण कार्यक्रम श्रेय की पहचान है। अपनी विभिन्न सेवाओं के माध्यम से श्रेय अब तक 30,000 से अधिक उद्यमियों को लाभान्वित कर चुकी है। अक्सर एक सफल व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि भाग्य उसका साथ दे रहा है, लेकिन सच तो यह है
कि भाग्य व्यक्ति के सतर्क मस्तिष्क और जीवन में आने वाले अवसरों का योग मात्र है। व्यक्ति का पुरुषार्थ ही उसके जीवन में आने वाले अगणित अवसरों को सौभाग्य में परिणत करता है। हेमंत जी, यूं तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी से प्रेरणा लेता है, आपने अपने जीवन में किन से प्रेरणा ली? रामकृष्ण परमहंस, मेनली स्वामी विवेकानंद से, उनके किताबों से, उनके जो शिक्षा के जो इतने वाक्य हैं, और पिताजी से जो सीखे हम लोग कि स्वामी विवेकानंद एक किस तरह से एक स्वामी होकर अपनी जिंदगी को जिए हैं। देश के अग्रणी उद्योगपति के रूप में हेमंत के अनुभव और विचारों का लाभ विभिन्न व्यावसायिक चैम्बरों एवं कमिटीज को मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर फिक्की की नेशनल कमेटी के अध्यक्ष, फिक्की नेशनल एग्जीक्यूटिव के सदस्य, इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के काउंसिल मेंबर हेमंत IIM कोलकाता के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य भी रहे हैं। भारत सरकार की रीजनल डायरेक्ट टैक्सेस एडवाइजरी कमेटी एवं कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी वे अध्यक्ष रहे हैं। हेमंत जी, यूं तो हर व्यक्ति के जीवन में कुछ घटनाएं घटती रहती हैं, जिसे वो या फिर तो याद रखता है या फिर भूल जाता है। आपके जीवन में कोई घटी ऐसी घटना जिसे आप हमेशा याद रखना चाहेंगे? हमारे साथ ये हुआ था 92 में, हम और हमारा छोटा भाई जो है सुनील, हम लोग दोनों इस कंपनी के IPO में जो फर्स्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग था 92 में, उस समय जिस दिन पब्लिक इशू का अनाउंसमेंट होने वाला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ब्रोकर्स कॉन्फ्रेंस, उसी दिन सुबह में हम लोग सुबह में क्लब जाते थे, हम स्क्वाश खेलते, सुनील टेनिस खेलता, और हम लोग वापस आ रहे थे और एक्सीडेंट हो जाता है और हम लोग हॉस्पिटल में रहते हैं, और उस समय ये नहीं पता, कार एक्सीडेंट रहता है, उस समय ये नहीं पता कि हम लोग जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। अपने व्यक्तिगत जीवन में हेमंत को विभिन्न विषयों पर पढ़ना, स्क्वैश खेलना अच्छा लगता है। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एवं मीडिया में उद्योग व्यवसाय उनके विचारों को गौर से सुनता है। हेमंत स्वयं भी निवेशकों एवं औद्योगिक प्रतिनिधियों से जुड़ना पसंद करते हैं। स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण परमहंस के व्यक्तित्व और विचारों ने हेमंत को गहरे से प्रभावित किया। योग और अध्यात्म में उनकी रुचि इसी का प्रतिफल है। अपने काम को एंजॉय करते हुए वे दिन के 24 घंटों का अधिकतम सदुपयोग करना चाहते हैं। हेमंत जी, मैंने सुबह से देखा आपका शेड्यूल इतना पैक्ड अप है, आप इतना बिजी रहते हैं, तो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, तरोताजा रखने के लिए आप क्या क्या शौक रखते हैं? कभी भी नहीं लगता है कि व्यस्त हैं, हमेशा लगता है कि कुछ जो भी कुछ कर रहे हैं इतना एंजॉय करते हैं। बट किन सारी हॉबीज को आप एंजॉय करते हैं, आपकी हॉबीज क्या है? हम स्क्वाश खेलते हैं, पहले हॉर्स राइडिंग करते थे, कभी स्कीइंग के लिए चले जाते हैं, और स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि है, उसके अलावा फिर म्यूजिक वगैरह में थोड़ा शौक है। तो हेमंत जी, आपका फेवरेट सॉन्ग या फेवरेट सिंगर कौन सा है? दो फेवरेट सिंगर्स हैं, एक तो मुकेश और मोहम्मद रफ़ी, और इसमें जो ताल मिला नदी के जल में, नदी मिले सागर में, तो ये बहुत ही फेवरेट हमारा सॉन्ग है। जैसे एक दीप से सैकड़ों दीप जल उठते हैं और वह दीप स्वयं भी प्रकाशवान रहता है, वैसे ही दीपक के समान प्रकाशवान रहते हुए दूसरों के जीवन को प्रदीप्त कर रहे हैं हेमंत कनोड़िया। हेमंत जी, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने मिला। हमारा ये 100वां एपिसोड है जिसे बड़ी तादाद में दर्शक देखेंगे, आप हमारे शो से दर्शकों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? हम लोग तो क्या प्रेरणा दे सकते हैं, हम तो यही कह सकते हैं कि ईश्वर हम सबको एक इंस्ट्रूमेंट के तरह से इस्तेमाल करते हैं, और यदि हम अपने इच्छा से, हार्ड वर्क से, सिंसियरिटी से उस ईश्वर को अब एक इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से अपने को इस्तेमाल करने दें तो बहुत ही खुशी होगी हमें, हम लोग हमेशा आनंदमय रहेंगे। अपने जो भी पथ पर ईश्वर हमें ले जा रहे हैं वहाँ पर हम आगे बढ़ सकते हैं। हेमंत जी,
आप वहाँ जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बने, आप हमारे शो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी बहुत ही, हम बोलेंगे कि हमारे लिए एक प्रिविलेज रहा है कि आप लोग के इस वाह जिंदगी के प्रोग्राम में एक हिस्सा बन पाए। धन्यवाद। उम्र से युवा किंतु सोच गंभीर, युक्ति पैनी, दृष्टि सूक्ष्म, चिंतन प्रौढ़ और कठोर परिश्रम, ये वे गुण हैं जो हेमंत कनोडिया के व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। यही उनकी पहचान है जो दीर्घकाल तक बनाए रखेगी उनके कदमों के निशान। हेमंत कनोडिया की आत्मकथा का सिलसिला आज यहीं तक। उनकी आत्मकथा से मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज सीखने को मिली कि अगर हम अपने मन में मजबूती ले आए और मेहनत में लग जाए, जो पाना चाहते हैं उसे हम जरूर पा सकते हैं। दोस्तों, आज हम मना रहे हैं अपना 100वां एपिसोड, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैं आपको वापस से बोलना चाहती हूँ कि यह संभव हो पाया है सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार, आपके साथ, आपके सपोर्ट के बलबूते पर। आप सभी ने हमें, हमारी पूरी वहां जिंदगी की टीम को इतना प्यार दिया है कि हम आज इस मंजिल तक पहुंच चुके हैं, और ना जाने कितनी मंजिलें आगे हमें अभी देखना बाकी है। आप इसी प्रकार से हमें अपना साथ देते रहिएगा, अपना भरोसा हम पर रखिएगा, और हम आपके सामने हमेशा की तरह लेके आते रहेंगे जिंदगी से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीजें, और दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार से वह बना देती है हमारी जिंदगी को वह जिंदगी। हमारा नंबर है 0334063400। एक बार फिर से हमारा नंबर है 0334063400। या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं वह जिंदगी @yahoo.com पर। फेसबुक पे हमारा पेज वह जिंदगी, आप उस पर भी आकर मैसेज कर सकते हैं। हमारी अगली मुलाकात होगी अब हमारे नए एपिसोड में, जहां हम कदम रखने जा रहे हैं एक नए पड़ाव की ओर। आपका साथ, आपका प्यार, बस यही है जो मैं आपसे मांग करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे जागृति धाम, अ गोल्ड एज होम, आनंद फुटप्रिंट्स ऑफ नॉलेज, CSR इनिशिएटिव बाय इन्फिनिटी, आक्षी, नारी को संपूर्ण बनाए, TT लिमिटेड, जिंदगी इज गुड, At Life Caring Minds Psychological and Cognitive Wellness Center makes you fit in fab, and Mehellam Shades adds spark to your life.